दूसरा नेता अखिलेश यादव के बाद यदि किसी का नाम कन्नौज की धरती पर लिया जाता है, उसका नाम है नवाब सिंह यादव। और आज उससे पल्ला झाड़ना, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी का बहुत घृणित चेहरा है। एक व्यक्ति अयोध्या में 2012 में समाजवादी पार्टी में आता है, नगर अध्यक्ष बनता है, उसके ऊपर गैंग रेप का आरोप लगता है, और उसके बाद में उसको बचाने के लिए स्वयं अखिलेश यादव सामने आते हैं, इसलिए कि वो मुसलमान है। तो मैंने, मुसलमान होगा, अपराधी होगा, उसको संरक्षण दोगे, अतीक बनाओगे, मुख्तार बनाओगे, मुसलमान यदि आतंकवादी होगा उसको छोड़ने की सिफारिश करोगे। और उसके बाद में जो कन्नौज में एक उनका वह कार्यकर्ता जिसने अपना जीवन समाजवादी पार्टी को दे दिया, आज उससे भी पल्ला झाड़कर आज इस प्रकार से खड़े हो गए, तो समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी अपराधी यदि मुसलमान होगा उसको संरक्षण करेंगे, और यादव होगा उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि वह हिंदू है। तो यह समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा उजागर हुआ है। तो आइए, अगर समाजवादी पार्टी ने इनको कहीं से निकाला है तो समाजवादी पार्टी को उसका पत्र जारी करना चाहिए। और जिसको निकाल दिया जाता है वो इंडी गठबंधन की भी जो रैली हुई थी जिसमें राहुल और अखिलेश दोनों लोग आए थे, और राहुल और अखिलेश के बीच में नवाब सिंह यादव खड़े हुए हैं, तो क्या राहुल गांधी के साथ में आए थे क्या? तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि अगर अखिलेश ने निकाल दिया तो शायद राहुल इनको मंच के ऊपर लेकर आए होंगे। और दूसरा, अभी 25 जुलाई को एक समाजवादी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, उसमें अखिलेश यादव जी इनको माताजी की मृत्यु के ऊपर इनको संवेदना व्यक्त करते हैं, और उसके बाद उनका पत्र भी आता है। शायद आप लोगों के लिए भी अखिलेश जी का आया ही होगा, किसी के यहाँ गमी में जनरल तो आ ही जाता होगा, तो कन्नौज में शायद इसीलिए नवाब सिंह के लिए भी चला आया। तो कुल मिलाकर तो सब दर्शाता है। तो मैंने क्या कहा, अयोध्या वाला चूंकि मुसलमान था, कन्नौज वाला हिंदू है, तो झक मरा के कहाँ जाएंगे, तो साथ में आएंगे ही। तो या तो उत्तर प्रदेश के सभी मेरे उन यादव भाइयों को भी समझना चाहिए कि यह बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हुए, और ये यहाँ पर भी देखो हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हो रहे, यही इनका चरित्र है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साजिश के तहत ये सब पूरा षड्यंत्र रचा। साजिश है तो उसको साजिश की जांच की मांग हो, आप जो भी हो, मैं आप अगर इस प्रकार की कोई डिमांड करते हो तो मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। साजिश है तो बिल्कुल ही ओपन होना चाहिए, साजिश है तो किसकी है यह भी सामने आना चाहिए। अब उनके लोग तो कह रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा ये साजिश है कि उनकी पार्टी का एक मुसलमान जिला अध्यक्ष है इसको निकाल देता है पार्टी से, तो ये कहीं पार्टी के भीतर कोई हिंदू मुस्लिम संघर्ष तो नहीं है, उसको भी देखना चाहिए। देखो कुल मिलाकर कौन कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, रात का 1:30-2 बजे की घटना आखिर वहां के ऊपर क्यों घटी, क्या है, ये तो निश्चित रूप से जैसा कि अभी तो जो लड़की के पक्ष का जो सुना है, जैसे एसपी का जो अपना उसमें बयान आया है, उस आधार पर के उनके पास में फोन पहुंचा कि उससे प्रयास हुआ तो उसमें पुलिस पहुंची और वहां के ऊपर गिरफ्तारी हुई। विषय यह नहीं है, विषय यह है कि जब भी शेर का शिकार भी अगर होता है तो शेर के शिकार के लिए पिंजड़े में बकरी को लगाया जाता है, तो जब शेर बकरी को खाने जाता है तो ही तो पकड़ता है ना। तो कुल मिलाकर यदि कोई भी यह षड्यंत्र है भी, अगर इनकी पार्टी के लोगों पे तो मौका किसने दिया, तो स्वाभाविक है। देखो ये घटना एक बहुत स्पष्ट रूप से एक बार साफ कह रही है, और यह घटना समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी उजागर कर रही है।